मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निगम मंडलों की नियुक्ति होने के बाद पदभार ग्रहण का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में जितेंद्र लिटोरिया ने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन के रूप में सोमवार को पदभार ग्रहण किया। भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यालय पहुंचकर जितेंद्र लिटोरिया ने अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उससे पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जितेंद्र लिटोरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में खादी के प्रचार प्रसार को बढ़ाया जाएगा और बोर्ड की जो भी योजनाएं होंगी वो लोगों तक पहुंच सके और लोगों का उसको लाभ मिल सके, यही उनका प्रयास होगा। हमको माननीय शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे संगठन ने जो जवाबदारी दी है, उस बोर्ड की जो नीतियाँ हैं योजनाएं हैं, हम नीतियों को जन जन तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो ग्रामोद्योग हैं उसको बढ़ावा देना है, कुछ विजन लेके जा रहे हैं, आज पदभार ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, हमारी योजना है जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंतिम व्यक्ति का लक्ष्य है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ मिले, हम ग्रामोद्योग के माध्यम से अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसा आपने सोचा है कि अपन ग्रामोद्योग कौन से उद्योग को आगे बढ़ाएंगे? अपन हैं, बहुत से उद्योग हैं हमारे, बिंदा वैली है हमारी, उसको हम और व्यापक स्तर पे निचले स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। कौशल उन्नयन की भी बात होती है, वो भी चल रहा है और एक बार मैं अभी थोड़ा समझ लूँ, फिर आप सब लोगों को एक आध महीने दो महीने बाद बुलाऊंगा तो अच्छा लगेगा। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।